अस्सलामु अलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जहानाराज़ किचन। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सबके साथ मिक्स वेज की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इसे बनाने वाली हूँ, लेकिन इसका टेस्ट मसाला से किसी ढाबा स्टाइल से कम नहीं होगा। बहुत ही लाजवाब मिक्स वेज बनकर तैयार होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आए, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं मिक्स वेज की रेसिपी। मिक्स वेज बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1/2 kg का ही फूलगोभी लिया है। इसे मैंने बड़े टुकड़ों में ही रखा है और पानी से अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। 1 कटोरी भरकर मैंने हरी मटर ली है, फ्रेश मटर का यहाँ मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। 1 मीडियम साइज़ का शिमला मिर्च, 1 गाजर और 1 बड़ी आलू का मैंने इस्तेमाल किया है। यहाँ पर मैं एक पेस्ट बनाऊँगी। 1 मीडियम साइज़ का प्याज, 1 मीडियम साइज़ का टमाटर, 2 हरी मिर्च और 6 से 7 काजू, 6 से 7 बादाम का मैं यहाँ पर एक फाइन पेस्ट करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर गाजर, आलू और शिमला मिर्च को कट कर लूँगी। तो देखिए, इस तरह से मैंने गाजर को छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, आलू को भी मैंने छोटे स्लाइस में ही कट किया है। तो चलिए, अब हमें एक पेस्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर चटनी का जार ले लेती हूँ। काजू, बादाम, हरी मिर्च, प्याज को बड़े टुकड़ों में कट करके डालूंगी और साथ ही टमाटर को बड़े टुकड़ों में कट करके डाल लेती हूँ। बिना पानी डाले हमें इसका एक फाइन पेस्ट कर लेना है। प्याज टमाटर होते हुए हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने फाइन पेस्ट कर लिया है। तो चलिए, अब हम चलते हैं गैस स्टोव की तरफ। स्टोव के हाई टू मीडियम फ्लेम पर मैंने कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई के गर्म होते ही मैं यहाँ पर 200 ml के करीब रिफाइंड ऑयल डाल लेती हूँ। जब हमारा तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, मैं यहाँ पर कुछ खड़े मसाले डालूंगी। 1 तेज़पत्ता, 4 छोटी इलायची, 1 छोटी चम्मच साबुत जीरा, 1 दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा, 4 से 5 लौंग, 4 से 5 काली मिर्च, 2 लाल सूखा मिर्च और 8 से 10 के करीब करी पत्ता। कुछ सेकेंड के लिए हम इन्हें तेल पर सॉटे करेंगे ताकि इनका एरोमा जो है तेल पर आ जाए। उसके बाद मैं यहाँ पर पेस्ट डाल लूँगी, हमने जो पेस्ट बनाकर रखा हुआ था। साथ ही चटनी के जार पर थोड़ा सा पानी डालूंगी। उसके बाद जितना भी मसाला लगा हुआ है पेस्ट, उसे हमें तेल पर डाल लेना है। तो चलिए, मैं एक बार इसे चम्मच से अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। फ्लेम हमें यहाँ पर लो पर ही रखना है। अब से लेकर आखिर तक हमें फ्लेम लो पर ही रखना है। तो अब मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ 1 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट और इन सभी को हमें 3 से 4 मिनट के लिए स्टोव के लो फ्लेम पर पकाएंगे। इसी दौरान मैं यहाँ पर 1 चुटकी के करीब हींग भी डाल लेती हूँ। सभी चीज़ों को हमें 3 से 4 मिनट के लिए पका लेना है ताकि अदरक लहसुन का कच्चा टेस्ट जो है वो निकल जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब जो है तेल थोड़ा सा ऊपर आने लगा है। अब मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ कुछ पाउडर मसाले। 1 छोटी चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 2 छोटी चम्मच के करीब धनिया पाउडर। तो चलिए, हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमें मसाले के पेस्ट को अच्छी तरह से पकाना है जब तक मसालों से तेल ना छोड़ना स्टार्ट हो जाए। 3 मिनट के बाद अब आप देख सकते हैं तेल मसाले से अलग होने लगा है। अब मैं यहाँ पर 1 छोटी चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल देती हूँ। इससे क्या है ना, मसाले का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। तो चलिए, अब हमें अच्छी तरह से इसे पकाना है। चम्मच चलाते रहना है, नहीं तो मसाले कढ़ाई में चिपकने लगेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, अब देखिए मसाले का कलर पूरी तरह से चेंज हो चुका है। मसाले से तेल भी छोड़ना स्टार्ट हो चुका है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लगी है। अब मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ 2 चम्मच के करीब दही। दही यहाँ पर आप फ्रेश दही का इस्तेमाल करें, ज़्यादा खट्टा दही का इस्तेमाल ना करें। इसी के साथ मैं यहाँ पर हरी मटर भी डाल दूंगी और साथ ही जितने वेजिटेबल है उसे भी मैं यहाँ पर डाल दूंगी। सभी वेजिटेबल्स को हम अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। मैंने सब्जियों को फ्राई नहीं किया है, डायरेक्ट मसाले के साथ इसे पकाने वाली हूँ। तो इस तरह से आप एक बार ज़रूर बनाकर देखिए, बहुत ही मज़ेदार की रेसिपी बनकर तैयार होती है। अब मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ हरे धनिया के डंठल। मैं यहाँ पर पत्तियाँ नहीं डालने वाली हूँ, बाद में डालूंगी जब हमारा सब्जी तैयार हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर इस तरह से डंठल को डालने वाली हूँ। इससे क्या है ना, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है। तो चलिए, इन सभी को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और स्टोव के लो फ्लेम पर हम इसी तरह से इसे पकाएंगे। जब सब्जी की क्वांटिटी कम होने लगेगी, उसके बाद मैं यहाँ पर नमक ऐड करूँगी। तो देखिए, यहाँ पर 4 से 5 मिनट के लिए मैंने सब्जियों को मसाले के साथ पकाया है। अब जो है क्वांटिटी कम होने लगी है, अब मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ 1/2 चम्मच के करीब नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ 1/2 छोटी चम्मच के करीब कसूरी मेथी। तो चलिए, मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ, मिला लेती हूँ। अब हमें कढ़ाई को लीड से कवर कर लेना है। बीच बीच में हम कढ़ाई का लीड हटाकर इस तरह से चम्मच चलाते रहेंगे, क्योंकि अब जो है सब्जी पानी छोड़ेगा और बिल्कुल भी पानी यहाँ पर हमें नहीं डालना है। मसाले के साथ सब्जियों को पकाना है जब तक मसालों से तेल ना छोड़ना स्टार्ट हो जाए। तो हमें इस तरह से चम्मच चलाते रहना है, नहीं तो कढ़ाई में मसाले नीचे लग जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार की सब्जी बनकर तैयार होती है। अगर आप इस तरह से बनाएंगे, आप इसे हर रोज़ बनाने पर मजबूर हो जाएंगे।
इसी तरह से हमें तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, 15 मिनट के बाद मसाले से किस तरह से तेल छोड़ना स्टार्ट हो चुका है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। एक बार मैं इस तरह से चला लूँगी, मैंने बिल्कुल भी पानी अब तक नहीं ऐड किया है। आप देख सकते हैं आलू और गोभी जो है 90% तक पक चुका है, लेकिन हमें और भी इसे पकाना है। तो अब मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ पानी, 1 गिलास के करीब मैं यहाँ पर पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हम इसे और 4 से 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ेंगे। पानी आप अपने हिसाब से यहाँ पर ऐड कीजिएगा, क्योंकि आपको कितना इसका मसाला ठीक रखना है उसी हिसाब से आप यहाँ पर ऐड कीजिए। और मैंने यहाँ पर काजू का पेस्ट, बादाम का पेस्ट डाला है, तो पकने के बाद और भी गाढ़ा होते जाएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से हमारा मिक्स वेज की सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितना लाजवाब बना है, बहुत ही अच्छी खुशबू हो रही है, और साथ ही आप इसका मसाले का टेक्सचर देखिए, बहुत ही क्रीमी बनता है खाने में, माशाल्लाह से बहुत ही यम्मी बनकर तैयार हुआ है। इसका टेस्ट माशाल्लाह से किसी भी ढाबे स्टाइल से कम नहीं है। आप देख सकते हैं गोभी भी अच्छी तरह से गल चुका है, और साथ ही आलू भी अच्छी तरह से पक गया है। सबसे आखिर में मैं यहाँ पर हरे धनिया को बारीक काट कर डाल लेती हूँ, और इसे मैं एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी सब्जियों के साथ, और फिर हमें क्या करना है, स्टोव को ऑफ कर लेना है। तो लीजिए फ्रेंड्स, मिक्स वेज की सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार है। आप अपने पसंद के हिसाब से यहाँ पर सब्जी ऐड कीजिएगा। सर्दियों के मौसम में मार्केट में बहुत ही आसानी से और बहुत ही तरह की सब्जी आपको मिल जाएगी, तो आप यहाँ पर अपने पसंद के हिसाब से यहाँ पर सब्जी ऐड कीजिएगा। तो लेकिन इसी तरह से आप उसे बनाएं, आपका सब्जी बहुत ही मज़ेदार का बनेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम भी इसे ट्राई करेंगी, आपका मिक्स वेज सब्जी बहुत ही लाजवाब बनने वाला है, आपकी तारीफ ही तारीफ होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप इसे एक बार अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। आप इसे रोटी, चपाती, पराठा या फिर दाल चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार की मिक्स वेज सब्जी बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुँचेगी, आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।